から家に帰って。चलो चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम। तो यार फाइनली मेरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए हो गया है सेटअप तैयार, क्योंकि जो जो मुझे चीज़ चाहिए थी मैंने पॉकेट मनी इकट्ठा इकट्ठा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके ला दी है। तो अब मैं इनको जोड़ता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो जो मेरे को चाहिए था मेरे पास मतलब कुछ भी था स्टार्टिंग। तो हेलमेट रॉयल एनफील्ड के साथ जो आता है उसमें आप आगे से माउंट नहीं कर सकते हो, उस आगे से खुला से हेलमेट लेना पड़ा, माउंट करने के लिए अलग से लेना पड़ा, और उसमें जो होल्डर है फ़ोन के लिए वो अलग से लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मुझे अब प्राइस भी याद नहीं है कि मुझे कितने के एक्चुअल में पड़े थे, अमेज़ॉन से कुछ फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाए थे। तो मैं हिस्ट्री देखूँगा अपनी, फिर उसकी लिंक मैं डाल दूँगा, और कितने कितने के मुझे पड़े थे वो मैं बता देता हूँ। तो दिखाता हूँ अभी मैं कि मैंने लाया क्या क्या है, और उसके प्राइस भी देखने पड़ेंगे मुझे अभी कितने के मुझे पड़े हैं टोटल, जो मेरा सामान है कितने का मेरा आया है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए। मतलब मैंने सस्ती सस्ती चीज़ें ली है अभी मतलब काम चलाने लायक। तो मैं जल्दी से दिखाता हूँ आपको और जोड़ के दिखाता हूँ मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने बाय किया था ये वाला माउंट, जो कि मुझे शायद 1200 का पड़ा था, और इसके साथ एक स्ट्रिप आती है ये वाली एक्स्ट्रा जो आपको यहाँ लगानी है, और फिर आपको ये चीज़ भी अलग से लेनी पड़ती है, इसके साथ नहीं मिलती है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो एक ये होगी और एक ये भी आपको कभी कभी अलग से लेनी पड़ती है इसके लिए। और ये मैंने अलग से लिया था मोबाइल के लिए, जिसमें मेरा मोबाइल होल्ड हो सके, और एक ये चीज़ आई है। तो अब इसको मैं जोड़ता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। और एक मैंने और लिया था माइक बोया का, ये मुझे 700 के नियर बाय पड़ गया था। और मेन चीज़ है जो मेरे पास नहीं था वो है टेंटनान हेलमेट स्टील वर्ल्ड का S3, तो ये भी काफ़ी सही है, मुझे 1900 के नियर बाय पड़ गया था। तो अब इसको जोड़ते हैं, देन करते हैं आज का थोड़ा टेस्टिंग की मोटो ब्लॉगिंग कैसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो जल्दी से इसको जोड़ते हैं। तो ये बैग है बहुत बड़ा, ये तो मैं इसमें माइक रखता हूँ ये वाला पोर्शन, देन ये यहाँ पे आएगा लग जाएगा जैक माइक का, तो इसको एडजस्ट करो। माइक भी हो गया एडजस्ट और बाकी फ़ोन से कनेक्टेड हो गया है। तो चलते
चलते हैं टेस्ट ड्राइव करने, अपनी ब्लैक पर्ल को मिलने का टाइम अगर मिला तो दिखाते हैं। मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो है, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। देखते हैं ये सिस्टम अच्छे से काम करता है कि नहीं, मुझे भी क्योंकि थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो थोड़ा भारी है, थोड़ा आगे को झुक रहा था। बाकी देखते हैं बुलेट चलाते हुए कैसा रहता है, कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं चलने पता चलेगा, थोड़ा बहुत चल के हो जाएगा आइडिया कि कैसा है कंफर्टेबल कि नहीं, कि मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। ये है साथ में सेब का बगीचा, सुबह सेब ठीक लगेगा। और सामने ही इसमें खड़ी रखता हूँ अपनी बुलेट, क्योंकि रात को रिस्क जल्दी से बाहर निकालते हैं, देन देखते हैं क्या होता है आज। ब्लैक पल, हाँ थोड़ा सा भारी भारी तो लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो बुलेट होगी फाइनल स्टार्ट, तो थोड़ा गर्म करते हैं टैंक, चलते हैं और तो उसको बाहर निकालता हूँ। तो चलो चलते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग का। यहाँ थोड़ा मेरे बाहर निकलने के लिए ख़राब है, बाकी तो बरसात में रोड पर हमारे हाल है। बस मैंने सोचा था थोड़ा आगे को फ़ोन की वेट की वजह से हेलमेट आगे को जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ऊपर जहाँ बादल दिख रहा है वहाँ पड़ता है जोरदार। GoPro शायद ज़्यादा हल्का होता है इस तरह, फ़ोन तो काफ़ी हैवी है, जा रहा है तो प्रॉपर एंगल भी नहीं आ पा रहा है मुझसे, क्या तो मैंने पूरा वाइड एंगल है, अब शायद अब अच्छे से कवर हो जाएगा। और आजकल तो उधार का भी तकड़ा ही यात्रा का चला हुआ है, तो ये और जहाँ देगा उधार अभी गुप्ता के साथ है चौंसार वाले उत्तराखंड, डाला रोड कह रहा है ये मकान बनाने वालों ने। भाई लद्दाख फेल है बोल रहा था अपने रोड के आगे, इसमें बोल रहा था सच में ही लद्दाख फेल है अपने रोड के आगे, बोल रहा अब देखो कैसे निकालने यहाँ से बोलते जा रहा। चलो एक तो टांगी नहीं पहुँच गया नीचे, रोड हो जाए पर काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, अब दिक्कत नहीं आती मुझे वैसे कहीं भी चलने में, बस हम से रोड हो। बस चलो चलते हैं हम भी, इनका
आज तो फुल एक्सपीरियंस होने वाला मोटो ब्लॉगिंग का, पता भी लग जाएगा कि लॉन्ग में मैं मोटो ब्लॉगिंग कर सकता हूँ इसके थ्रू कि नहीं। कि बैटरी दिक्कत दे रही है इसकी और बड़ी अच्छे से बज रहा है, ये तो है कंपनी वालों की बात तो रहती है। बोला था कि एक्सचेंज हो जाएगी आपकी। ये देखो भाई रोड, ये है कांडा बना वाला रोड जिसके आगे लद्दाख है फेल मेरे ख्याल से। मैं कभी गया तो नहीं हूँ पर ये भी लद्दाख से कम नहीं मेरे ख्याल से। पंजाब जाके मैंने सारा जुगाड़ कर दिया है, गवर्नमेंट बस आ गई थी पास से, इधर वाली तो चली गई इस रोड वाली तो एक ही आती सोड़ में तो शिमला से आगे से निकल आए तो दिक्कत है। मेरे को आदत है वैसे ऐसे रोड पर चलने की, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में बुलेट लिया था तो इससे भी गंदे गंदे रोड थे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रखी है दो साल में। आगे मेरे को बड़ा दिक्कत होता था स्टार्टिंग में बुलेट लिया। मैंने एक बात थोड़ा सीखी खुद से ही कि इंसान कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, जो बस करने का जुनून होना चाहिए। चिकरा जो होता है हम रास्ते में बहुत कॉन्फिडेंस, बस ओवर ना करो, जहाँ नहीं निकल रही आपसे वहाँ बेशक खड़ी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम निकालो। तो भाई मैं तो करूँ यहाँ से बैक सब ठीक है, बस थोड़ा आगे को यहाँ पे वजन पड़ता है, वो तो फ़ोन का वेट भी काफ़ी है तो गोप्रो से तो शायद कोई इशू नहीं रहता, वो तो इतना भारी नहीं होता होगा। तो अब लॉन्ग राइड देखता हूँ करके फिर देखते क्या होता है। वैसे तो ये भी काफ़ी था 8 किलोमीटर और ऑफ रोड अंदर रोड है, ठीक है हो जाएगा। मतलब ब्लॉगिंग का मोटो ब्लॉगिंग अब अच्छे से शुरू करनी पड़ेगी। तो भाई यार सरकारी बस अगर थोड़ी हो जाती भी तो ठीक है, पीछे ले जाओ और होती पीछे और ये टायर बेकार ये ट्रेन डाल बेकार है। हां वो तो ठीक है, वो तो नहीं खा सकता था, पर अच्छा था कौन से क्या था हालत है कौन सी है सब मैं सब के जान दो पीछे आंडो। जय हो बारिश हो गया है। अरे गलत कर रखा है इन्होंने, मच्छी मिट्टी पे काट रखी है जो बिचिस ने पिछवाई है। धक्का दे के भाई निकाल दी गड्डी और दो जोर दौड़ गाड़ी का जोर बहुत लगता है बंदे होते हैं ना वापस ही अंदर जाए निकल जाएगी ये निकल गया।